हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बुलेट राजा। वंस अगेन दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल बुलेट राजा पर स्वागत है। दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। सुबह का समय हो रहा है, आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा मौसम है और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी, क्योंकि आप देख सकते हैं बारिश का जो मौसम चल रहा है आजकल। पीछे मेरी तरफ बादल देख सकते हैं कि कितने अच्छे लग रहे हैं, और यहाँ पर देखें कि बारिश के मौसम में जब भी हम बाइक राइड करते हैं या फिर कार ड्राइव करते हैं तो वहाँ पर बड़ी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ता है। कभी कभी कहीं कहीं जगह पर पानी भरा होता है, तो वहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या सावधानी हम बरत सकते हैं जिससे कि हमें पानी से कोई भी दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब भी आप ऐसे रास्ते से गुजरें जो आपका रोज़ का देखा हुआ है तो वहाँ पर आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कभी आप वहाँ से चले गए जहाँ पर आप रेगुलरली नहीं जाते हैं या महीने में या फिर पहली बार जा रहे हैं, तो वहाँ आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी ज़रूरी हैं। तो उसमें से सबसे पहले ये है कि आप अगर ऐसे रास्ते से गुजरे तो वहाँ पर देखें कोई चेतावनी का बोर्ड तो नहीं लगा है या कोई कार्य प्रगति पर है ऐसा बोर्ड तो नहीं लगा, क्योंकि कई बार रोड का खुदाई का कार्यक्रम चलता रहता है, क्योंकि इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। तो यहाँ पर हर 6 महीने में रोड खोद दी जाती है, उसके अंदर लाइन डाली जाती है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी लाइन डाली जाती है, सीवर लाइन डाली जाती है, तो बहुत तरीके की चीज़ें इसमें होती रहती हैं। तो वो आपको बोर्ड देखना है कि वहाँ जहाँ पानी भरा उससे पहले कुछ बोर्ड तो नहीं लगा ऐसा। अगर नहीं लगा है तो फिर अगर आपको वहाँ से जाना ही है और कोई रास्ता नहीं है तो एक काम कर सकते हैं कि आप ये देखें कि आगे कोई व्हीकल, आप टू व्हीलर से हैं तो टू व्हीलर या फोर व्हीलर से हैं तो फोर व्हीलर कोई जा रहा है क्या, और जिस रास्ते से वो जा रहा है उसी लाइन को आप फॉलो करते रहें, क्योंकि हो सकता है कि जो आगे आपके जा रहा है वो आप वहाँ से जाता रहता हो और उसको कोई अगर प्रॉब्लम आएगी भी तो हमें सामने ही नज़र आ जाएगी, तो हम अपना रूट डाइवर्ट कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप ऐसी जगह फंस गए हैं जहाँ पर पानी वानी भरा हुआ है तो आप कोई अल्टरनेट रूट देख सकते हैं कि जहाँ से हम आसानी से निकल पाएँ। और ज़रूरी है कि आपकी सिक्योरिटी सेफ्टी ज़्यादा बनी रहे, क्योंकि कई जगह गाड़ी के टायर फंस जाते हैं, गाड़ी फंस जाती है, तो ये आपको इंश्योर करना ही पड़ता है। तो अगर पानी में अगर आपको जाना ही है और कोई रास्ता भी ना मिले उस केस में क्या करें, तो जाइए पानी में। वही सेम प्रोसीजर है कि अगर आपको देखना है कि हमारे सामने से कोई गाड़ी निकली है या नहीं निकली है। देखिए सूरज निकल आया है, गाड़ी तो हम देखते रहेंगे, सामने बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, तो इट इज़ अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो आपको क्या सिंपल ये करना है कि कोई भी सामने गाड़ी निकली है उसके जो टायर लाइन है वहीं पर आप चलते रहिए, आप आराम से निकल जाएंगे। और गाड़ी को हमेशा पहले गियर में ही या सेकेंड गियर में कंटिन्यूस कंसिस्टेंट एफर्ट से चलाते रहें, तो इससे आपकी गाड़ी बंद नहीं होगी। अगर आप वहाँ पर गाड़ी आपकी रुक जाएगी या फिर आप गियर चेंज करते हैं तो उस समय दिक्कत हो सकती है। तो कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट गियर, ये चीज़ याद रखिए, फॉर्मूला है पानी से निकलने का। और उसके बाद मैं बात करूँ कि जैसे ज़रूरी चीज़ है कि आपका जो एसी होता है, शीशे आपके बंद रहते हैं, तो एसी का जो वेंट है उसको इनर एयर में रखें, यानी कि इनसाइड एयर में ट्रैवल करें। बाहर से अगर एयर लेंगे तो जो पानी आएगा उसके साथ जो स्मेल आएगी वो आपकी गाड़ी के अंदर आएगी अगर बाहर से आप एयर लेंगे। तो ये ध्यान रखें, पानी में जब भी गाड़ी उतारें तो आप अपनी गाड़ी को ये देखें कि इसमें जो कार के केस में जो एयर फ्लो है वो अंदर ही हो, बाहर से एयर ना ले, सक्शन ना करे बाहर से वेंट के थ्रू। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमें ध्यान रखनी चाहिए जब हम पानी में लेकर अपनी गाड़ी को जा रहे हैं। और अपनी कोई भी कार है तो उसमें ये देख सकते हैं कि हर एक कार की एक वाटर वेडिंग कैपेसिटी आती है, तो वाटर वेडिंग कैपेसिटी कितनी है आपकी कार की या आपकी बाइक की, तो वो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए जब भी आप गाड़ी पानी में उतारें उससे पहले। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी इन दिस वीडियो। थैंक यू।